हेलो दोस्तों, तो चलिए एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट सीरीज है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आपको बता दें, ये सभी टेस्ट जितने हुए हम लोगों ने सॉल्व किए, ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2019 के लिस्ट में जो सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। ठीक, मेहर बैंड के संस्थापक हैं तो आप लोगों को बता देना है, उस्ताद अलाउद्दीन खान। ठीक, पिस्टल दानी के नाम से मशहूर भारतीय भारतीय है तो आप लोगों को बता देना है, राही सरनोबत। ठीक, ये निशानेबाज है। तीसरा क्वेश्चन, आईसीसी द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर 2019 विराट कोहली को अब तक कितने आईसीसी अवार्ड मिले हैं, याद रखना है 6। क्वेश्चन नंबर 4, सैयद शुजा का संबंध किस विद्या से है, तो याद रखना है साइबर। रघुनाथ महापात्र किस विद्या के निपुण कलाकार हैं, तो याद रखना है आपको शिल्प। दीन एलाही का विचार किस शासक ने किया था, तो याद रखना है अकबर। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखना है स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, याद रखिए। और आठवां क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध 1961 में किन दो पक्षों के बीच हुआ था, तो याद रखना है ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक, नौवां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो ये था एलेन ओ ह्यूम 1885 में। ठीक, अगला है दसवां, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है, तो याद रखना है साइट्रिक अम्ल। 11, वित्तीय नीति का संबंध निम्नांकित में से किससे है, तो याद रखना है कर लगाने और शासन व्यय से संबंधित नीति। ठीक, 12वां क्वेश्चन, तांबा कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना है मलाजखंड बालाघाट में। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ की व्यवस्था कौन सी संस्था करती है, तो याद रखना है विश्व बैंक। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को याद रखना है मनीला में। कहाँ, मनीला में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966 को। ठीक, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। चलिए बात करते हैं आगे। 15, केंद्र द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाएं हैं, तो याद रखना है आपको ये ऑप्शन है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ठीक है, आगे 16वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता होगा मुंबई। 17, रुपये में मूल्य के अनुसार मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज सबसे अधिक होता है, तो याद रखिए कोयला। 18 क्वेश्चन नंबर, अली 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत किस जिले में सबसे कम है, याद रखिए अलीराजपुर। वो सर्वाधिक साक्षरता है जबलपुर में। ठीक है, उसके बाद इंदौर, फिर भोपाल। पचपन, 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो आप लोगों को पता होगा अकीतम अच्युतन नंबोदरी। ठीक है, याद रखिए। अगला है, बंदर छतरपुर परियोजना का किससे संबंधित है, तो याद रखना है आपको हीरा। 21वां, किस वर्ष में हांगकांग चीन को पुनः मिला, याद रखना है 1997, बी ऑप्शन है। 22वां, निम्नांकित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं था, तो याद रखना है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने अमेरिकी की नागरिकता धारण कर ली थी। ठीक, 23वां क्वेश्चन, मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है, तो याद रखना है भिंड में। मगर तथा घड़ियाल का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है,
याद रखना है चंबल व सोन नदी। 25वां, टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया? तो याद रखिए मध्य प्रदेश। 526 टाइगर हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, पहले नंबर पे। और टोटल भारत में कितने हैं? 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 1967 हैं टोटल, ठीक है, जिनमें से मध्य प्रदेश में 526 हैं, ठीक है। 26वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र 150 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था? तो याद रखना आपको अखबार ग्वालियर, बी ऑप्शन, ये 1840 में हुआ था प्रकाशित, उर्दू भाषा में था, ठीक। 27 क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? कोई भी आदमी बिना विधानसभा का सदस्य बने मंत्रिपरिषद मंत्री रह सकता है, तो याद रखना 6 माह के लिए। अगर 6 माह के अंदर वो किसी विधानसभा सीट से नहीं चुना जाता है तो वो उसका कार्य खत्म हो जाएगा, कार्यकाल खत्म हो जाएगा, फिर वो मंत्री नहीं माना जाए। 28वां क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम के मुख्य योगदान का संबंध है? तो याद रखिए पीछे पास्ट विकास से। 29 क्वेश्चन, पुरुष की बैडमिंटन प्रतियोगिता की ट्रॉफी है तो याद रखिए थॉमस कप। 30, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो याद रखिए सांची में। 31, हिडोला महल कहाँ है? तो आपको पता होगा मांडू में। हिडोला महल कहाँ है? मांडू में। मेघनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो याद रखिए वृंदावन लाल वर्मा। खालसा पंथ कब प्रारंभ हुआ? तो याद रखिए 1699। 34, ऊर्जा संरक्षण का आशय है? ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, ठीक। 35 क्वेश्चन नंबर, किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है, ठीक है, सी ऑप्शन। 36 क्वेश्चन नंबर, मध्य प्रदेश के किस जिले में कुल जनसंख्या में से सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो अलीराजपुर में जनजाति निवास करती है, अलीराजपुर। 37, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया था? न्यूटन, ये ऑप्शन। 38, कौन सी तरंगें शून्य में संचयन नहीं कर सकती? याद रखिए 38, ध्वनि। 39, वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर। 40, एक किंतिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? एक किंतिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो याद रखिए इसका है सौर सेल्स, बी ऑप्शन है। जीवन प्रत्याशा में अग्रणी देश कौन सा है? तो याद रखिए जापान। मध्य प्रदेश में केसरी दाल का प्रतिबंध है क्योंकि इसका कुप्रभाव निम्नलिखित पर होता है? तो याद रखिए यह होता है निचले अंगों का संचालन से। 43 क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? तो याद रखिए 72 बार। सार्वभौमिक रक्तदाता रक्त समूह है तो याद रखिए ओ, ठीक है। और रक्त समूह ए बी समूह सार्वत्रिक ग्राही कहलाता है, याद रखिए। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में की थी, सन 1900, ठीक। 45 क्वेश्चन, राती में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं? तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। 46, निम्न में से कौन सा लक्षण हृदयाघात से संबंधित नहीं है? तो याद रखना टांगों में दर्द, डी ऑप्शन नहीं है। 47, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो आपको सबको पता होगा सिलिकॉन की। 48, स्टील में कितना कार्बन होता है? तो याद रखिए 0.1% से 2% के बीच। 49 क्वेश्चन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इसमें है डॉक्टर अलान एम टूरिंग।
50 जरा याद करो कुर्बानी, गाने की रचयिता कौन है? प्रदीप। इंक्यावन पानी का शुद्धतम रूप क्या है? आप सभी को पता होगा, वर्षा का पानी। 52 क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में अंदर कौन सी गैस भरी रहती है? उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें, बल्ब, विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन जैसी अक्रिय गैसें भरी रहती हैं। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। किसी स्थान समूह में हर 5-12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है? तो याद रखिए, इसमें ए ऑप्शन है, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में 4 जगह लगता है कुंभ का मेला। ठीक है, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। 54 क्वेश्चन नंबर, मध्य प्रदेश में रेल मार्ग की लंबाई लगभग कितनी किलोमीटर है? तो याद रखिए, 6100 किलोमीटर लगभग। 55, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो याद रखिए, ये थे काशीनाथ पंडित, काशीराज पंडित, काशीराज पंडित। सम्मिलित कीजिए जिस राज्य से भी संबंधित हैं। मोपला, मोपला है केरल से संबंधित, याद रखना मोपला केरल से संबंधित है। मुरिया है जी, मुरिया छत्तीसगढ़ से संबंधित है। जनजातियां हैं, और जो मुंडा है, टोड़ा है, ये टोड़ा है तमिलनाडु से, और मुंडा है उड़ीसा से। तो इसमें होगा डी ऑप्शन। ठीक है, याद रखिए, मोपला है केरल से, मुरिया है छत्तीसगढ़, टोड़ा है तमिलनाडु, मुंडा है उड़ीसा से संबंधित। ठीक, 57 क्वेश्चन नंबर, आइसोवाक्स दिखाते हैं गहराई। 58 क्वेश्चन नंबर, इस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है, कौन सी है? काली। उत्तेजक कौन सा है? तो याद रखिए, मारिजुआना, मारिजुआना। 60 क्वेश्चन नंबर, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति। क्रायोजेनिक ताप से आशा है वह ताप जो 150 डिग्री जो 150 डिग्री सेल्सियस से कम। ठीक है, सी ऑप्शन है। 62 क्वेश्चन नंबर, सही सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। ठीक, तो इसमें फेदोमीटर, फेदोमीटर का संबंध है समुद्र की गहराई से। बैरोमीटर, बैरोमीटर का संबंध है वायुमंडलीय दाब से। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का नंबर वायुमंडलीय आर्द्रता से संबंधित है। वो अल्टीमीटर, ये ऊंचाई से संबंधित है। ठीक, इसमें बी ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर माइका है, 63वां क्वेश्चन है माइका है। तो याद रखिए, माइका ये है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक। 64, किसका क्षेत्राधिकार नहीं है? तो याद रखिए, इसमें है सी ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का। 65, पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो याद रखिए, भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। 66 क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। 67, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देख चुके हैं जी, सी राजगोपालाचारी। जबकि अंतिम विदेशी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिए, अंतिम विदेशी गवर्नर जनरल थे भारत के लॉर्ड माउंटबेटन, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी।
ठीक है, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सबको आपको पता होगा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। 69, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो याद रखिए जैविक खेती, ये ऑप्शन सही है। 70, विंबलडन में जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? सानिया मिर्जा। मानस का हंस के लेखक हैं, तो याद रखिए मानस का हंस के लेखक हैं अमृत लाल नागर। ठीक है, 72 है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो ये भूचाल। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा 8 मार्च। भारत की नाभिकीय कमान की बागडोर के हाथ में है? तो याद रखिए भारत के प्रधानमंत्री के, ये ऑप्शन। विसुन जोशी के अध्यक्ष हैं, विसुन जोशी किसके अध्यक्ष हैं? सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड। NEA से आशय है, NEA से आशय है, तो याद रखिए नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। 77, DRDO द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया? तो याद रखना त्रिशूल। जेल बंदियों के मानव अधिकारों को संरक्षित करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस बाद में दिया? तो याद रखिए ये था प्रेम शंकर विरुद्ध दिल्ली सरकार 1980। 80 क्वेश्चन नंबर। राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन का प्रावधान वर्णित है? तो याद रखना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो सबको पता होगा इसका मुख्यालय है लंदन में, सी ऑप्शन। 82, अस्पष्टता के आधार पर अस्पताल आदि में व्यक्तियों को प्रवेश देने से इनकार करने पर दंड का प्रावधान है? तो आप सभी को पता है धारा 5 में, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 में। धारा 23 का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने सर्वप्रथम कब नियम बनाए? तो आपको याद रखना है 1995, बी ऑप्शन है, इसमें 18 नियम है। ठीक है, 1995। 84, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 3 व 4 के प्रावधान के अंतर्गत ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज तथा आर्य समाज के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो याद रखना है हिंदू। 85 का क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो, इसकी व्याख्या ही देखते हैं सीधी, ठीक है, हल करके, जो इनपुट के माध्यम से आंकड़ों को ग्रहण करता है, उसमें प्रक्रिया करता है एवं सूचना को निर्धारित स्थान पर संग्रहित करता है। तो इसमें होगा अपना ए ऑप्शन। 86 क्वेश्चन नंबर, फिलोटर विकार उदाहरण है, विकार का उपकरण है, तो आपको बता देना है ये है आउटपुट डिवाइस। 87 क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखिए ये थे JS क्लिबी। फिर 88, ई कुमार की योजना कब प्रारंभ हुई? याद रखिए 1991। CNG का मुख्य अवयव है? तो याद रखिए CH4। निवाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो याद रखिए महेश्वर में। 91, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? तो याद रखिए भोजपुरी नहीं है, ब्रज भाषा है, मालवी है, नेवाड़ी है। ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो आप लोगों को बताना है हिंदू प्लस जैन। ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं हिंदू जैन धर्म से संबंधित हैं। 93 क्वेश्चन नंबर, मध्य प्रदेश राज्य की पहली पर्यटन नीति कब घोषित की गई? तो याद रखिए 1995 में। गेट ऑफ चाइना, वॉल ऑफ चाइना के नाम से प्रसिद्ध है जाल गोदरेज। ठीक है,
टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं इंदौर के, ठीक है। 95 मध्य प्रदेश में खेल संग्रहालय बनाया गया, तो याद रखिए तात्या टोपे स्टेडियम में। 96 प्रदेश में पढ़ना बढ़ना योजना शुभारंभ कब की गई, 2003 में। 97 ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किसके सहयोग से स्थापित किया गया, तो याद रखना है 57 जापान के। 58 संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो सबको पता है जबलपुर। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल का किला है, तो याद रखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान। 100वां क्वेश्चन, निम्नलिखित निम्न विद्युत ताप केंद्रों को उनके स्थापना स्थलों को में सम्मिलित करना है, ठीक है। तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, ये जिला अनूपपुर में है, याद रखिए। सतपुड़ा विद्युत केंद्र ये बैतूल के पाथरखेड़ा में है। विंध्याचल विद्युत केंद्र ये है बेडन जिला सिंगरौली में, ठीक है। और पेंच विद्युत केंद्र ये छिंदवाड़ा में, ठीक है। इसमें ये ऑप्शन है, ठीक, याद रखिए। चलिए तो ये जितने थे एमपीपीएससी के टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। जिसमें आप लोगों को डाउट लगे वो चेक कर लिया करिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि गलत कहीं हो जाए, हमसे भी गलती हो सकती है, इंसान ही हूँ, तो देखते रहिएगा अपना, ठीक है।